मैं भी दीदी जी की तरह सभी को गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग करना चाहूँगा, क्योंकि सभी भारत से और कुछ यूएस और चारों तरफ से आत्माएं जुड़ी हुई हैं। तो अभी हम शुरू करेंगे इन सब बातों को सुनते हुए। आज जैसे हम मन के बारे में बातें कर रहे हैं, हमारी पूरी सीरीज मन के बारे में चल रही है, तो मुझे याद आया एक बार दिल्ली में मैं किसी कार्य से गया था। आई थिंक सेशन ही था। तो सेशन से पहले एक घर था, वहां पर उनकी पूरी फैमिली ज्ञान में थी और वहां पे एक माँ थे। उनका मेरे ख्याल से 6 महीने का या 1 वर्ष का बच्चा होगा। तो मुझे वहां कुछ देर बैठना था, क्योंकि वहां पर जहाँ प्रोग्राम था सब अरेंजमेंट्स हो रहे थे, तो हम वहीं बैठ गए। तो एक छोटा सा बच्चा जो 6 महीने का या साल भर का रहा होगा, फर्श पे खेल रहा था उस वक्त, नीचे लेटा हुआ था, लेकिन वो रो रहा था। नीचे था फर्श पे और रो रहा था। उसके आसपास उस वक्त कोई नहीं था। हमने सोचा कि शायद ये इसे खिलौना चाहिए होगा इसलिए रो रहा है। तो उसके आसपास काफी सारे खिलौने पड़े हुए थे, तो हमने उसमें से एक खिलौना उठाया और उसके सामने ऐसे ऐसे उसे हिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने उसके सामने ऐसे किया, तो वो एकदम से मुस्कुराने लगा, खिलखिला के हंसा। लेकिन वो केवल 10 सेकंड ही मुस्कुराया, उसके बाद वो फिर से रोने लग गया। अब हमें समझ में नहीं आया, हमें लगा कि शायद इसे दूसरा खिलौना चाहिए। तो वहां पे एक दूसरा खिलौना पड़ा हुआ था, हमने उसे उठाया और उसके सामने ऐसे ऐसे किया, तो वो फिर से मुस्कुराया, हंसा और 5 सेकंड के अंदर फिर से रोने लग गया। तभी उनकी माँ अंदर से आई, बोली, भाई जी इसे भूख लगी है, ये दूध पिएगा और फिर चुप हो जाएगा। माँ ने उस बच्चे को गोद में उठाया और दूध पिलाया और बच्चा एकदम चुप हो गया और फिर खिलौनों के साथ खेलता रहा। ये सोचकर एक विचार चला उसी वक्त कि देखिए, जैसे ये बच्चा खिलौनों से खेल तो रहा था, लेकिन बहुत समय तक खुश नहीं रह पा रहा था, क्योंकि इस बच्चे को भूख लगी थी, इसे दूध चाहिए था। यानी उस बच्चे के लिए प्रायोरिटी दूध है, तभी वो खुश रह सकता है, तभी खिलौनों के साथ भी वो एंजॉय कर सकता है। ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी घटना घटित होती है कि जब हम ऑफिस से घर आते हैं या किसी भी कार्य को करके घर लौट रहे हैं, तो हमारा मन बच्चा रो रहा होता है। आत्मा आत्मा माँ है और मन उसका बच्चा है, तो ये बच्चा रो रहा होता है। रो रहा होता है तो जब इसको हम रोते रोते घर पहुंचते हैं, तो हमारे मन में रहता है कि चलो इसको कुछ खिलौना दिया जाए। तो हम घर पहुंचते क्या करते हैं, टीवी ऑन कर लेंगे, टीवी ऑन करेंगे या और भी कुछ कर सकते हैं, खिलौना उसको दिखाएंगे। हम टीवी देख रहे हैं, आधे घंटे हो गया, 1 घंटा हो गया, थोड़ी देर मन बच्चा मुस्कुराया और उसके बाद फिर वो रोने लगता है। हमें लगता है कि पता नहीं क्या खालीपन सा है, मेरा मन क्या चाहता है पता नहीं होता। हम कई बार कंप्लेन भी करते हैं कि पता नहीं मेरा मन क्या चाहता है, क्यों उदास है,
खालीपन सा है कुछ। वैसे तो सब कुछ ठीक है, फिर भी पता नहीं क्यों खाली खाली है। क्योंकि हम इस मन बच्चे को केवल खिलौना दिखा रहे हैं, और ये खिलौने से जब हम बोर हो जाते हैं, यानी हमारा बच्चा बोर हो जाता है, तो मेरे वाली ही गलती जो मैंने उस बच्चे को दूसरा खिलौना दिखाया था, फिर हम भी वही खिलौना इस बच्चे को दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, हम उठते हैं, हम फिर हो सकता है मार्केट जाते हो, वहां से कुछ महंगा खिलौना खरीदते हो। मानिए कि आप एक माता हैं या आप एक भाई हैं, आप एक माता हैं, आप एक महंगी सी साड़ी खरीदती हैं, भाई है एक महंगी सी टी शर्ट या पैंट शूट खरीदते हैं, जो भी लेकर आते हैं, मन बच्चा भी बहुत खुश है क्योंकि आपने अपनी पसंदीदा साड़ी खरीदी है, यानी बच्चा बहुत खुश है। आते हैं घर पे, पहनते हैं उसे, बहुत खुश है मन बच्चा, बहुत खुश है। पहनकर उसे किसी फंक्शन में जाते हैं, मन बच्चा बहुत खुश है, बहुत अच्छा खिलौना, महंगा वाला खिलौना मिला है। वहां पहुंचते हैं तो फिर मन बच्चा ये सोचता है कि कोई आकर अब इसकी प्रशंसा तो करे, इतना अच्छा खिलौना, इतना महंगा खिलौना मैंने खरीदा है। इसी बीच कोई आता है और कहता है, आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, कितने की खरीदी है आपने, और आप पे तो बहुत सूट कर रही है ये। तो हम कहते हैं, 10,000 या 20,000 की मैंने परचेज की है, और कहते हैं कलर भी आपको सूट कर रहा है। बोलते थैंक यू। तो मन क्या है, खुशी के मारे नाचते नाचते पांचवे माले पे चढ़ जाता है। और इसी बीच कोई दूसरा व्यक्ति हमारे करीब आता है और कहता है कि ये साड़ी आपने कहाँ से ली है, ये तो आपको बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही, और कितने की ली है। हम कहते हैं 20,000 की। तो हम कहते हैं ये तो 500 रुपीज की भी नहीं लग रही। तो ये सुनते ही जो मन बच्चा नाचता हुआ पांचवे माले पे चढ़ा था, वहीं से कूद जाता है, वहीं से नीचे धड़ाम से पड़ता है दुख के मारे, बिलखता है, रोता है। ये स्थिति आज हमारी हो गई है कि अगर हम इस मन बच्चे को केवल खिलौनों से खुश करने की कोशिश करेंगे, जो कोशिश मैं उस बच्चे के साथ कर रहा था, तो यही हमारे साथ होगा। जब तक इस बच्चे को ज्ञान का दूध नहीं पिलाया जाएगा, तब तक ये मन बच्चा खुश नहीं हो सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस मन बच्चे को ज्ञान का दूध पिलाया जाए। देखिए, जब एक बच्चा सवेरे सोकर उठता है, तो उठते ही या किसी भी टाइम वो सोकर उठता है, छोटा बच्चा 6 महीने का, 1 साल का, तो उसकी माँ उठते ही उसको दूध पिलाती है और वो फिर चुप हो जाता है। वैसे ही जब हम सवेरे सोकर उठते हैं, तो साथ में उठता है हमारा मन बच्चा भी। उठते ही वो भी रोने लगता है, मतलब उसको भी कुछ चाहिए, क्योंकि इस समय पर जब मन सवेरे सोकर उठा होता है तो बहुत भूखा होता है, उसको कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, और नहीं दोगे तो थोड़ी देर में व्यर्थ अपने आप चलने लगता है। तो क्या करें, सवेरे उठते ही इस बच्चे को ज्ञान का दूध पिलाएं। हम कई बार कहते हैं कि सवेरे उठते ही अपने बच्चे को ज्ञान का दूध अर्थात परमात्म महावाक्य पढ़ाइए। जैसे ही सवेरे उठे, कई बार देखो लास्ट सेशन में हमने प्रैक्टिस किया था कि हम सवेरे उठते ही बड़े प्यार से परमात्मा पिता को सामने देखें, एंजेलिक फॉर्म में देखें, उनके अंग अंग से बहुत तीव्र प्रकाश निकल रहा है, जो मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हमने अभ्यास किया था, वो मुझ पे वरदानों की वर्षा कर रहे हैं, मेरे सर पे अपना वरदानी हस्त रख रहे हैं। लेकिन ऐसा हर कोई करने में सक्षम नहीं हो पाता है, हर किसी का योग इतना अच्छा नहीं है।
कई बार बुद्धि भटक जाती है, विजुअलाइजेशन स्पष्ट नहीं हो पाता, तो क्या करना है दूसरा कार्य, जिनको ये नहीं हो पाता या जिनको होता भी है वो ये भी कर सकते हैं साथ में, क्योंकि मन को अलग अलग अभ्यास पसंद होते हैं। सवेरे उठिए, उठते ही परमात्मा पिता को सामने देखकर गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग बोलते ही, गुड मॉर्निंग बोलते ही मुरली उठाइए, परमात्मा महावाक्य उठाइए और उन्हें धीमे धीमे पढ़िए, लेकिन सार पढ़ना है, केवल सार। शुरू में सवेरे सवेरे उठते ही, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तुम अगर बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम हल्के होकर बाप के साथ जाएंगे। तो जो बाबा ने बोला कि मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देने, तो धीमे से उसको पढ़ो और आंखें बंद करके एक बार उसे प्यार से देखो कि बाबा हथेली पर बहिष्ट ले आया है, हथेली पर स्वर्ग लाया है और कह रहा है बच्चे लो तुम हो इसके मालिक। विजुअलाइज करो कि मैं स्वर्ग में हूं। एकदम से ये लाइन पढ़ी, हमने यहां सिर्फ मुरली को वैसे नहीं पढ़ना है जैसे कथा पढ़ते आए भक्ति मार्ग में, हमने एक लाइन पढ़नी है और उसको प्यार से विजुअलाइज करना है। क्यों क्यों विजुअलाइज करना है, क्यों नहीं पढ़ देना वैसे ही? क्योंकि मन की भाषा है विजुअलाइजेशन। ये मन है, ये बुद्धि है, बुद्धि का कार्य होता है विजुअलाइज करना। बुद्धि मन को विजुअलाइज करके दिखाए तो मन सब कुछ समझ जाए। मन की भाषा ही है विजुअलाइजेशन। जैसे मानो आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे हिंदी आती है तो आप मुझसे हिंदी में बात करेंगे तो मुझे समझ में आएगा। अगर आप मुझसे मराठी या कन्नड़ में बात करेंगे तो हो सकता है मुझे समझ में ना आए, आपका मैसेज मैं ना समझ पाऊं। आपने तो मेहनत की, बोले, समझाया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हिंदी में बोला, इंग्लिश में बोला तो मुझे समझ में आ गया। वैसे ही मन की भाषा है विजुअलाइजेशन। अगर मन को आप कोई कमांड देना चाहते हैं, आप चाहते हैं मन आपका आदेश माने, आप मन को कुछ कहें, मन वो कर दिखाए, तो मन को विजुअलाइज जरूर करके दिखाइए। मैंने पढ़ा कि परमात्मा हथेली पर बहिष्ट ले आए हैं, स्वर्ग ले आए हैं, तो उससे मैंने विजुअलाइज किया, मैंने देखा कि मैं स्वर्ग में हूं, सोने के विशाल महलों के मध्य, महलों में हीरे जवाहरात चढ़े हैं, हीरो का प्रकाश, हीरो की किरणें महलों में चमचमाती हुई, बाहर देखें हरे भरे मैदान, बाहर खड़े पुष्पक विमान, बहुत सुंदर सुंदर मयूर नाचते हुए, कोयल गाती हुई और श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, ये मैं देख रहा। देखकर फिर अगली लाइन पढ़ें और पढ़कर फिर उसे विजुअलाइज करें। जैसे बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम्हारी मुख्य सेवा तो है ज्ञान सूर्य से किरणें लेकर पूरे विश्व को देना, बाकी सेवाएं तो हैं निमित्त मात्र, बाकी जो सेवाएं हैं वो केवल खेल है, खिलौना है। मुख्य सेवा तो यही है कि हम बाबा से किरणें लें और पूरे विश्व में फैलाएं। तो जब मैंने ये पढ़ा तो पढ़ते ही विजुअलाइज किया कि मेरी बुद्धि सीधी ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे है, ठीक है, या मैं आत्मा ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे हूं, उनकी किरणें मुझ में भरती जा रही है, भरती जा रही है, और नीचे जो गोला घूम रहा है धरती का, ये किरणें उसके ऊपर पड़ रही हैं। आप देख सकते हैं धरती का गोला घूमता हुआ,
ग्लोब घूम रहा है, मैं आत्मा प्रकाश की देह में ग्लोब के ऊपर स्थित हूं। ऐसे बाहें पसारे खड़ा हूं मैं फरिश्ता, और मेरे सर के ऊपर ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। ये किरणें मुझ में समा रही हैं, मेरे अंग अंग में समा रही हैं, और अंग अंग से निकलकर ग्लोब में जा रही है। मैंने पढ़ा जो उसको विजुअलाइज करना है। अगर ये अभ्यास सवेरे सवेरे हो जाए तो मन बच्चा ज्ञान दूध से अपना पेट भर लेगा, और फिर पूरे दिन भले चाहे खिलौनों से खेल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन केवल प्रायोरिटी खिलौनों को देते आए हैं द्वापर युग से अब तक, तो हालत ये हो गई है। प्रायोरिटी ज्ञान को, ज्ञान जाएगा तो ज्ञान चिंतन चलने के कारण योग आपे ही होने लग जाएगा। अगर हमारे मन में कोई भी बात, कोई भी सूचना चली गई तो अपने आप ही चिंतन चलता रहता है। मतलब मानो मुझे सूचना मिली किसी भी घटना के बारे में, तो मैं उस घटना के बारे में निरंतर सोच रहा हूं, यानी उसे याद कर रहा हूं, तो मेरा उस घटना से योग लगा हुआ है। तो वहीं मैं सवेरे उठकर जब परमात्मा के बारे में पढ़ूंगा तो मेरा मन आपे ही उनके बारे में सोचना शुरू कर देगा, और मेरा योग अपने आप ही उनसे लग जाएगा। कंप्लेन करते हैं ना कि भाई जी योग नहीं लगता, योग कहाँ से लगेगा, मुरली से तो मुक्त रहते हैं हम। मुरली से मुक्त नहीं, मुरली हमें मास्टर मुरलीधर बनना है, मुरली को हमें बड़े प्यार से पढ़ना है, बाबा का लव लेटर समझकर कि मेरे प्यारे बाबा मुझे ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और जब महावाक्यों को सुनते हो क्लास में भी, तो भी उन्हें ऐसे कई बार होता है, देखते हैं कि अगर क्लास में 100 स्टूडेंट बैठे हैं तो 100 में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, मुरली चल रही है, सामने चलाने वाली निमित्त आत्मा भी बहुत अच्छे से चला रही है, फिर भी आराम से ऐसे सुस्त होके बैठे रहते हैं, कोई उमंग उत्साह नहीं। और ऐसा लगेगा चेहरा देखकर कि जैसे मानो ये सोच रहे हैं बस मुरली खत्म हो जाए किसी तरह। सोचिए, मुरली कौन चला रहा है, किसकी मुरली है? स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है, वो जिसकी एक झलक के लिए हम प्यासे थे। यहां तक कि हम ज्ञान मिलने से पहले मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में लाइनें लगा लगा कर जाते थे। याद होगा आपको जरूर, बचपन में मैं भी एक बार मंदिर पे गया था, बहुत बड़ी लाइन थी, बहुत देर तक तो खड़े रहे, फिर लेट लेट कर परिक्रमा देते हुए वहां पहुंचे, और वहां पर एक देवता की क्या बोलते थे उसको, जिसे एग्जैक्टली मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, जहां पे उनकी मूर्ति बनी होती है, जहां पे वो समाए थे, समाधि, हाँ समाधि होती है, तो उसको हाथ लगाने के लिए इतने सारे लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, और किसी तरह हमारा उस पे हाथ लग गया। तो हम सोच रहे थे कि हम कितने भाग्यवान हैं, हमारे से ऊंचा भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता है। और आज सोचो, स्वयं भगवान, भगवान हमें पढ़ा रहा है, और जब वो मुरली में महावाक्य उच्चार रहा है तो हमें सुस्ती आती है। देखिए, ध्यान रखना है हमें कि एक होता है रेडियो और एक है टीवी। रेडियो में केवल आवाज आती है, टीवी में आवाज के साथ चित्र भी आते हैं। तो जब मुरली सुने तो उस आवाज को सुनते रहें और बुद्धि रूपी टीवी से चित्र बनाते रहें, ये मुरली भी योग युक्त हो जाएगी। इस तरह के छोटे छोटे अभ्यास करने से हमारे मन की फ्रीक्वेंसी ऊपर उठ जाती है।
मन हाई एनर्जी में रहने लगता है और इसको ही कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आकर्षण का नियम है वो कुछ इसी तरह कार्य करता है कि आपका मन जो भी इस वक्त सोच रहा है, जिस भी स्थिति में है, जो भी, मानिए मैं एक थॉट लेता हूं कि मैं एक महान आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, ये तो हाई एनर्जी वर्ड है। जब मैं इसे विचार करता हूं तो उस वक्त मैं इसे कितनी गहराई से सोच रहा हूं, विजुअलाइज कर रहा हूं, उतनी ही गहराई से मैं चारों तरफ से उन हर एक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं जो इसी फ्रीक्वेंसी की हैं। मैं एक महान आत्मा हूं। आप देखेंगे आपके संबंध संपर्क भी ऐसे लोगों से होने लगेंगे कि जो महान है। आपका चलना, उठना, बैठना अपने आप ऐसा होने लगेगा जो महान आत्माओं का होता है। जब मैं ये संकल्प करता हूं, कहते हैं ना, किसी चीज को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो जब मैं ये संकल्प करता हूं तो मैं देखता हूं कि ये आसानी से हो रहा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मुझे ऊपर उठाने में लगी हुई हैं। और अगर मैं भूलता भी हूं तो जैसे कि कोई मुझे याद दिला रहा है कि तुम तो महान हो, ये तुम क्या कर रहे हो। तो ये होता है ऊंचे स्वामान में रहने का परिणाम। तो हमने ये विशेष अटेंशन रखना है कि अपने मन को स्वामानों से श्रृंगारित करना है और उसे ज्ञान का दूध सवेरे सवेरे पिलाना है। जितना ज्यादा उसे आप ज्ञान का दूध पिलाते रहेंगे, ये बच्चा हेल्दी रहेगा। तो ये हमने एक अभ्यास करना है सवेरे उठते ही। सवेरे उठते ही पहला ये काम विशेष, आज से इसे हम रूटीन में डाल लेते हैं कि सवेरे उठते ही मुरली के मुख्य मुख्य पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिए। और वैसे अपना रूटीन देख लीजिएगा किस तरीके का आप फॉलो करते हैं। अगर आप सवेरे सवेरे उठ के कुछ मुख्य पॉइंट्स डाल लेंगे तो उस पे आपका योग चलता रहेगा और अमृत वेला बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा। तो ये है मन को शक्तिशाली बनाने की एक विधि। दूसरा, हम हर कोई चाहता है कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आज बात कर रहे हैं, जैसे आज टॉपिक भी है जो चाहे सो पाए, हम में से हर कोई चाहता है कि उसका हेल्दी मन हो, हेल्दी तन हो, इनफ धन हो, उसके संबंध संपर्क बहुत अच्छे हों। हम में हर कोई तन भी स्वस्थ ही चाहता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या कार्य करेगा कि हम कैसे हेल्दी शरीर पा सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमारा वजन ज्यादा है, हम अपना वेट घटाना चाहते हैं और वेट घटाने के लिए हम रोज जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, लेकिन हम जब किसी से बात करते हैं या सोचते भी हैं तो यही सोचते हैं कि मैं कितना मोटा हूं, मेरा वजन कितना ज्यादा है। किसी से बोलते हैं तो कहते हैं वजन घट नहीं रहा है, वजन बहुत ज्यादा है। कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, अगर मन में मोटापा घुसा हुआ है तो शरीर कम नहीं हो सकता, क्योंकि इस मन ने इस तन का निर्माण किया है। अवचेतन मन इस शरीर का निर्माता है। जैसे हम श्वासे कॉन्शियसली नहीं लेते, सब कॉन्शियसली लेते हैं। हमारा हार्ट धड़कता है, अवचेतन मन के द्वारा हम ये कॉन्शियसली नहीं करते। हमारा पाचन होता है, सब कॉन्शियसली, हम ये कॉन्शियसली नहीं करते। हमारे बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, आंखें ब्लिंक करती हैं, ये सब सब कॉन्शियसली हो रहा है, ये हम कॉन्शियसली नहीं करते हैं। यानी सब कॉन्शियसली बोले तो अवचेतन मन के द्वारा हो रहा है। अवचेतन मन इस पूरे शरीर का निर्माता है, उसके पास इस शरीर का कंट्रोल है। मानिए
मेरे अवचेतन मन में ये प्रोग्राम्ड है कि मेरा हार्ट इस तरह से पंप हो, ठीक है। अगर हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करें तो एक महात्मा हुए थे जिन्होंने तपस्या के माध्यम से अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से की थी कि वो अपने हार्ट को कुछ आधे मिनट तक पंप होने से रोक सकते थे, धड़कने से रोक सकते थे, लेकिन आधे मिनट तक ही। उन्होंने इतनी सिद्धि प्राप्त की थी। आप देखिए, अब चेतन मन की प्रोग्रामिंग है कि वो मेरे हार्ट को चलाए, मेरी पलके चपकाए। अगर हम इसमें कोई चेंज करना चाहें तो हम इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हम बार बार अपने अवचेतन को ये बोलें तो वैसा करेगा जैसे उस महात्मा ने किया। वैसे ही मानिए कि अगर मेरे पाचन तंत्र में कोई इशू है, मेरा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो इस वक्त मेरे अवचेतन की ये प्रोग्रामिंग हो गई है कि मेरे पाचन में कोई प्रॉब्लम है। और ये एक लंबे समय में हुई है, ऐसा नहीं कि छोटे से उसमें हो गई है। द्वापर युग से हम ऐसा करते आए हैं, कंप्लेन करते आए हैं, तो एक लंबे समय के साथ हुई है। लेकिन अगर मुझे अपने पाचन तंत्र को ठीक करना है, मुझे अपने पाचन को हेल्दी करना है, तो मुझे अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से करनी होगी कि मेरा पाचन एकदम एक्यूरेट है, एकदम परफेक्ट है। आप इसके लिए विजुअलाइज कर सकते हैं एक परफेक्ट पाचन तंत्र कैसा होना चाहिए, उससे आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो हम देखेंगे हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग वापस से वैसी होने लगेगी, और वैसी हो रही है तो हम देख रहे हैं कि हमारा पाचन दिन पर दिन ठीक हो रहा है। और हमारा अवचेतन हमें यह भी टच कराएगा कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं कि जो आपका पाचन एकदम ठीक हो जाए। आपका अवचेतन मन आपको यह भी टच करा सकता है कि आप किस व्यक्ति से बात करें जो आपको एकदम एक्यूरेट सलाह देगा जो आप स्वस्थ हो जाएंगे। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक बार एक भाई, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था। भाई को एलर्जी हो गई बॉडी में काफी ज्यादा, जिसको कहते हैं हीट हो जाना बॉडी में, पित्त बढ़ जाना। अब ये भाई एक अच्छा योगी, योग के भी अच्छे अभ्यास करते, लेकिन उसका समाधान नहीं निकाल पा रहे, या कहें उन्होंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया कि इसे योग के द्वारा ठीक किया जाए। लेकिन एक बार उनको यह थॉट आया कि हम खुद योगी हैं, दूसरों को बातें बताते हैं, टेक्निक्स शेयर करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम खुद पे नहीं कर रहे। तो उन्होंने साइलेंस में बैठकर रोज ये अभ्यास करना शुरू किया। अब ध्यान से सुनिएगा उन्होंने क्या अभ्यास किया था, कि मेरे अवचेतन मन में ईश्वरीय ज्ञान भरा हुआ है, मेरे मन में असीमित दिव्य ज्ञान भरा हुआ है, ये ज्ञान पूरे दिन मेरा मार्गदर्शन करता है, ये ज्ञान जानता है कि मेरे शरीर को स्वस्थ कैसे किया जाए। मैं देख रहा हूं कि ये ज्ञान की डिवाइन लाइट मेरे शरीर को स्वस्थ कर रही है, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा माइंड मेरे शरीर को स्वस्थ कर रहा है, ईश्वर का प्रकाश मेरे मन में समा रहा है और मुझसे मेरी पूरी बॉडी में फैल रहा है, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। उन्होंने ये अभ्यास मुश्किल से 3-4 दिन किया होगा। एक दिन वे ऐसे ही बैठे हुए थे, उनको एकदम एक थॉट आया कि मैं कोई बहन का नाम बताया था, मैं भूल गया, कि उन बहन से बात करूं, उनको कॉल करूं। जबकि उन्हें पता नहीं था कि उनके पास कोई समाधान होगा, लेकिन उनके माइंड ने उनको टच किया कि उस बहन से बात करो, ठीक है। जैसे ही उन्होंने उन्हें फोन लगाया और अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं ऐसे थोड़ा सफर कर रहा हूं, तो उन्होंने उन्हें बहुत अच्छी डाइट बताई कि आप ये वाली डाइट फॉलो करिए, आप ठीक हो जाएंगे।
थोड़ी एक बार को तो विश्वास नहीं हुआ क्योंकि इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाया है, कुछ नहीं हुआ तो ये डाइट क्या करेगी। लेकिन उन्होंने इस वे में मानकर कि ये बाबा ने मेरी मदद की है, शिव बाबा ने मुझे टच किया है और ये बहन जो बता रही है वो ठीक है, उन्होंने उसे फॉलो किया। यकीन मानिए विद इन 15 डेज पूरी बॉडी से एलर्जी एकदम खत्म हो गई बिल्कुल, और आज तक भी वापस नहीं आई। उन्होंने वही डाइट फॉलो की और केवल 1 महीने के लिए फॉलो की थी, उसके बाद सेम अपना वही रूटीन हो गया। हमारे मन के पास समाधान है लेकिन इसे ऑर्डर की आवश्यकता होती है। लास्ट सेशन में हमने बात किया था कि हमारा जो मन है एक जिनी है, उसको ऑर्डर देना होता है। अगर ऑर्डर नहीं देंगे तो वो कुछ समझ ही नहीं पाता है, फिर अपने हिसाब से ही कार्य करता रहेगा, उसकी जो प्रोग्रामिंग हम कर चुके हैं वैसे ही करता रहेगा। तो इसके लिए जैसे मानो आप अभ्यास करना चाहते हैं कि मानो कि हमें वजन कम करना है, तो इसके लिए परफेक्ट इमेज है श्री नारायण और श्री लक्ष्मी के रूप में खुद को देखिए, परफेक्ट इमेज। सवेरे उठते हैं आप, देखो इससे आपको सारे फायदे होंगे, शरीर का वजन घटेगा और मन के जो संस्कार है वो दिव्य बनेंगे, एक पंथ कई सारे काज हो जाएंगे। तो यहाँ सवेरे उठिए और थॉट क्रिएट करिए अमृत वेला कि मैं 16 कला संपूर्ण श्री नारायण। इमेज बनाइए अपनी, सर से पांव तक अपने आप को देखिए, मैं श्री लक्ष्मी हूं, सर से पांव तक देखिए, उनके चित्र और चरित्र दोनों का चिंतन करिए कि श्री नारायण कैसे हैं, कैसे दिखते हैं वो, सर से पांव तक देखिए और संकल्प करिए कि ये मैं हूं। अवचेतन मन जब श्री नारायण का इमेज देख रहा है तो उसकी प्रोग्रामिंग हो रही है कि मुझे ऐसा बनाइए, और उसकी जो प्रोग्रामिंग हो गई, याद करिए लास्ट सेशन में क्या कहा था कि जिनी बहुत पावरफुल होता है, वो 5 मिनट में राज्य की जितनी भी समस्याएं थी खत्म करके आ जाता है। उसको कहते हैं सीढ़ी पे चढ़ उतर, तो वो चढ़ता उतरता रहता है। तो जब उसको ये आदेश मिलेगा कि मैं श्री नारायण हूं, तब चेतन को जब ये कमांड जाएगी कि इसने आदेश दिया है कि मैं इन्हें श्री नारायण बनाऊं, तो अपनी पूरी ताकत लगाएगा आपको श्री नारायण बनाने में। और उसके लिए कहाँ जाएगा भागा भागा, शिव बाबा के पास, और कहीं जा ही नहीं पाएगा, मन भटकना ही बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको आदेश ही ऐसा मिला है कि ये कार्य है शिव परमात्मा के अलावा कोई कर ही नहीं पाएगा। तो वहीं जाके कनेक्ट होगा, उनसे शक्तियां लेगा और उतार देगा। और इमेज बना ही रखी है हमने श्री नारायण की। आप देखेंगे आप 2 घंटे वर्कआउट करते थे, आपका वजन नहीं घटता था, अब आप देख रहे हैं आप आधे घंटे भी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, गारंटी है। आप देखेंगे कि आपके पास बीमारियां उतनी नहीं आ रही हैं जितनी पहले आ रही थी। यह है योग का पावर। इसीलिए बाबा बड़े चतुर सुजान हैं, उन्होंने हमें कहा है, बार बार कहा है कि स्वदर्शन चक्र घुमाओ, 5 स्वरूप के अभ्यास करो। आप 5 स्वरूप के अभ्यास रेगुलर करके देखिए, चित्र और चरित्र में जादुई परिवर्तन आएंगे, मैजिकल चेंजेस, चेहरे पे एक अद्भुत ग्लो आ जाएगा, चाल चलन बड़ी रॉयल दिखाई देगी, नैन सेवा करेंगे, मैं श्री नारायण हूं, मैं श्री लक्ष्मी हूं। यह है आकर्षण का नियम। हम अपने माइंड को उस जो हम बनना चाहते हैं वो इमेज दिखा दें, यानी माइंड की फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठा दें, फिर देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को खींचना शुरू कर देता है, तुरंत तुरंत तुरंत। ये हम कर सकते हैं, ये आप करके देखिए, इस पे और चिंतन करना थोड़ा, और चिंतन करके ये अभ्यास में ला कर देखना, तो कम मेहनत करनी पड़ेगी और फल ज्यादा मिलेगा, और साथ में योग भी हो रहा है, तो यहाँ कर्म योग हो जाएगा। और तीसरा, हम में से हर कोई चाहता है धन को आकर्षित करना,
हर कोई धन को आकर्षित करना चाहता है अपनी तरफ, लेकिन विचार करना और आसपास देखना, जो लोग गरीब हैं यानी जिनके पास धन इनफ नहीं है, स्थूल धन की बात अभी कर रहे हैं, जिनके पास पर्याप्त धन नहीं है और जिनके पास धन है, आप उनकी सोच को कभी खड़े होकर ना नोट करना, वो क्या सोचते हैं और कैसी बातें करते हैं। हमने कई बार किया है, हमें अभी तक एक भी व्यक्ति, या कहेंगे 1% ही कहेंगे, चलो 1% व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिनके पास स्थूल धन इनफ नहीं है और वो बातें अच्छी करते हैं, वो बातें वेल्दी बातें करते हैं कि हाँ हम भरपूर हैं, समृद्ध हैं, सुखी हैं, भगवान की दी हुई मौज है। बहुत कम ऐसा करते हैं। आप उनसे पूछो कि क्या हाल चाल है तो देखना कंप्लेन कैसे करते हैं। हाँ बस कट रही है, मिल रही है मुश्किल से 2 रोटी, कंप्लेन, बहुत कंप्लेन करेंगे। और अधिकतर देखना उनको सबसे कंप्लेन होता है, गवर्नमेंट से भी कंप्लेन होगा उनको, सबसे कंप्लेन करेंगे। वहीं आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो समृद्ध है, आप उससे बात करिए, वो कभी ऐसे नहीं बोलता है। आप उससे पूछिए क्या हाल चाल है, वो बोले हाँ सब बढ़िया, बहुत बढ़िया, भगवान की देन है, अभी एक फैक्ट्री और डाल रहा हूँ, दूसरी भी अभी पाइपलाइन में है, होगी भी नहीं तो भी बोलेगा। तो इससे माइंड को क्या कमांड जाती है। अगर हम मन को ये बताएं कि मैं भरपूर हूं तो भरपूरता को आकर्षित करेगा। अगर मैं मन को ये बताता हूं कि मैं फरिश्ता हूं तो मेरे फरिश्तेपन को आकर्षित करता है। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि फरिश्ता बन रहा हूं, यानी बाबा ने हमें ये नहीं बोला कि आप ये बोलिए कि मैं फरिश्ता बन रहा हूं। मैं शांति का फरिश्ता हूं, मैं प्रेम का फरिश्ता हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं 16 कला संपूर्ण हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम काम करता है, उस चीज को आपकी ओर आकर्षित करता है फास्ट। इससे ऊंची कमांड कुछ नहीं हो सकती। संपन्नता संपन्नता को आकर्षित करती है। परमात्मा महावाक्य है, जो आत्माएं कंप्लेन करती हैं वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। देख लीजिए, तो कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कभी भी कि मेरे पास धन नहीं है, अथा धन है मेरे पास। विचार करिए, पहले हम सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की अगर बात करें तो मेरे पास एक शक्तिशाली मन है, और मन को तो हम बता चुके हैं, आप समझते हैं मन तो जिनी है, राजा की सारी प्रॉब्लम खत्म कर सकता है तो हमारी। तो मेरे पास शक्तिशाली मन है, मन रूपी धन मेरे पास है। शुक्रिया मेरे प्यारे शिव बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक शक्तिशाली मन दिया है। अभ्यास करिए थोड़ा। मेरे पास डिवाइन इंटेलेक्ट है, होली हंस बुद्धि है, जो ज्ञान मोती ही चुभती है, जो व्यर्थ छोड़ समर्थ को धारण करती है। मेरे प्यारे शिव परमात्मा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया, आपने मुझे दिव्य बुद्धि दी है। संस्कारों के बारे में विचार करें, मेरे रॉयल संस्कार, सुख शांति समृद्धि संपन्न संस्कार, संस्कार रूपी धन मेरे पास है। इस आत्मा के पास संस्कार नहीं, उसके पास कुछ नहीं। शिव बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब स्थूल कर्मेंद्रियों के चिंतन करते हैं। आंखें, आंखों पर
पट्टी बांध लीजिए और देखिए दुनिया कैसी दिखाई देती है। सोचिए, एक मिनट आंखें बंद है तो सब काला काला दिख रहा है, आंखें ना हो तो पता चले कि आंखों की कीमत क्या है। कोई हमसे कहे कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं, अपनी आंखें मुझे दे दीजिए, हम देंगे। आंखों की कीमत, आंखें छोड़िए, कोई आपसे बोले एक अंगुली काट के दे दीजिए, 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, नहीं देंगे। देखिए कीमत, इस शरीर की कीमत भी बहुत है। हम में से अधिकतर 99% से भी ज्यादा, सर से पांव तक सभी स्थूल कर्मेंद्रियों से भरपूर हैं। सबके 2 पांव, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान सबको हैं। कोई कोई ऐसा होगा जिसको नहीं होंगे, यानी जिन्हें हम कहते हैं। तब देख लीजिए, हमारे पास स्थूल कर्मेंद्रियों के रूप में धन बहुत है, बट इनको हम शुक्रिया करते हैं कभी? शुक्रिया करना माना कंप्लेन को बहुत दूर उठा के फेंक देना। शुक्रिया करना माना अपने मन को कृतज्ञता से भरना, संपन्नता से भरना, अपने मन को ये बताना कि मेरे मन देख तेरे पास कितना कुछ है। और मन तो खुश हो जाता है, मन ये महसूस करता है, हाँ मेरे पास सब कुछ है, वाह वाह। मुझे याद आता है, छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए इसको। एक बार एक शिष्य दौड़ता हुआ अपने गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी गुरुजी सारे घोड़े मैंने बांध दिए हैं लेकिन एक घोड़ा खुला हुआ है। तो गुरुजी ने बोला, क्यों बच्चे? शिष्य ने कहा, गुरुजी एक रस्सा कम है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा घोड़े के पास जाओ, उसकी गर्दन के चारों तरफ ऐसे हाथ घुमाओ जैसे मानो आप उससे रस्सा बांध रहे हो, फिर ऐसे हाथ करके उसके आगे आगे चलो, उसको ये लगेगा कि आप रस्सा पकड़ के चल रहे हो, वो आपके पीछे पीछे आएगा। फिर एक खूंटे को ऐसे बांधने की एक्टिंग करना जैसे आप सचमुच उसे बांध रहे हो, वो बंध जाएगा। अब शिष्य को बात समझ में नहीं आई, गुरुजी क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? लेकिन गुरु जी कह रहे हैं तो बात तो माननी होगी। गया, सेम ऐसे ही किया और घोड़ा आराम से खड़ा हो गया। दौड़ा दौड़ा आया, गुरु जी घोड़ा तो आराम से खड़ा है। तो गुरु जी मुस्कुराए। अगले दिन जब घोड़े चरने के लिए छोड़े गए तो सभी घोड़ों को खोल दिया गया, सभी घोड़े भागे, लेकिन वो घोड़ा वहीं खड़ा है और आवाजें दे रहा है। बोला, गुरु जी वो घोड़ा तो आ ही नहीं रहा है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा पहले उसका रस्सा तो खोल, रस्सा खोल उसके मन का। एक रस्सा हमने अपने मन को बांधा है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, और सब कुछ होते हुए भी मन अभी भी यही कहता रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान भी ले लिया, फिर भी हम में से कुछ एक आत्माएं ये कंप्लेन करती हैं कि बाबा मेरे पास ये नहीं है, बाबा ये नहीं है, बाबा ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, मेरे पास ये नहीं है। लेकिन एक शब्द बड़ा प्यारा यूज होता है, नियामते गिनना, उन्हें गिन कर देखो कि मेरे पास कितना कुछ है। हम में से अधिकतर के पास 95% चीजें हैं, केवल 5% नहीं है। लेकिन चिंतन उन 5% का ही करते हैं जो नहीं है, और फिर मन को क्या कमांड जाती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। जैसे संपन्नता संपन्नता को आकर्षित करती है, वैसे ही एक गरीब मन यानी मन की गरीबी गरीबी को आकर्षित करती है। एक टी शर्ट
आपके कोने में पिछले 10 दिन से पड़ी है, जिसे आपने 1,000 रुपए का खरीदा था। पिछले 20 दिन से 1,000 रुपए कोने में पड़े हुए हैं एंड हमने उसकी तरफ देखा भी नहीं है। हमें उन 1,000 रुपयों की कदर नहीं है, लेकिन हम कंप्लेन करने में बिजी हैं कि मेरे पास ये नहीं है। टी शर्ट पड़ी है, माना 1,000 रुपये कोने में पड़े हैं, हमें उसकी कद्र नहीं है। और जिस चीज की हम वैल्यू नहीं करते वो हमसे रूठ जाती है, वो हमसे कहीं दूर चली जाती है। जैसे आज का व्यक्ति 8-10 घंटे तक जॉब करता है, कई तो 12 घंटे भी कर रहे हैं। किस लिए? 2 रोटियों के लिए। पेट को 2 रोटी चाहिए ना, 2 रोटी के लिए एक व्यक्ति 12 घंटे काम करता है। तब उसके घर में 2 रोटी आती है, 2 रोटी को लाने के लिए उसने कितनी मेहनत की, यानी किसी को अपने घर में लाने के लिए उसने कितनी मिन्नतें की, कितना उसके हाथ पैर जोड़े। लेकिन जब वो घर में आ गई तो मुझे उसकी वैल्यू है? एक हाथ में थाली होती है और एक हाथ में टीवी का रिमोट होता है। थाली की तो हमें ध्यान भी नहीं होता, वी आर नॉट अवेयर अबाउट थाली। रिमोट और टीवी ऑन बैठ गए। कई बार तो खाना है, न्यूज ही ऑन कर देते हैं, न्यूज ऑन कर देते हैं, अब खाना शुरू करते हैं। ये निवाला यहां है, टीवी सामने है और ये ऐसे मुखई हूं। एकदम से बिल्कुल पलके भी नहीं झपकाएंगे, टीवी की तरफ ही देखते रहेंगे। उसमें क्या है? वो सब अंदर जा रहा है। भोजन इधर मेरी तरफ देख रहा है, मैं टीवी की तरफ देख रहा हूं, भोजन मेरी तरफ देख रहा है, ऐसे करके ही हूं। इसे मेरी कदरी नहीं है? पिछले 12 घंटे से ये मेरी मिन्नतें कर रहा था कि मेरे घर में आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ। अब मैं आया हूं तो इसको मेरी कदरी नहीं है। अब मैं इससे रूठ के जा रहा हूं और अब नहीं आऊंगा इसके घर में, तो भोजन मुझसे रूठ जाता है और चला जाता है दूर। फिर अगले दिन 12 घंटे नहीं, मुझसे 14 घंटे काम करवाता है और फिर मेरे घर में आता है और मैं उसके साथ फिर वैसा ही करता हूं, वो फिर रूठ जाता है, फिर मुझसे वो 16 घंटे काम करवाता है। आज का व्यक्ति इतनी मेहनत इसीलिए तो कर रहा है क्योंकि वो किसी चीज के लिए कृतज्ञ ही नहीं है, किसी चीज का आभार व्यक्ति नहीं करता। टेक इट फॉर ग्रांटेड सब कुछ। तो भोजन के लिए भी इतना मेहनत इसलिए हो रहा है क्योंकि हम भोजन की कदर नहीं करते। हमने लास्ट सेशन में कहा था कि हम भारतवर्ष में एक किसान परिवार से हैं और बचपन से वो सब कार्य करके बड़े हुए हैं जो एक किसान खेत में करता है। वो सब कुछ किया है और अभी भी कई बार अवसर मिलने पर करते हैं। हमें अच्छे से पता है कि जब खेत में कार्य किया जाता है तो एक किसान, जैसे गेहूं, वो गेहूं को उगाता है। पहले उसके खेत में पहले ट्रैक्टर से, या पहले तो बैल थे, बैल से जुताई करता था खेत की। बहुत घंटों तक बैलों के पीछे पीछे पैदल चलता है, खेत की जुताई करता है। अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं, ट्रैक्टर से जुताई करता है, फिर भी मेहनत तो वहां भी बहुत लगती है। जुताई करता है, फिर उसको कई बार जुताई करता है, वो फिर उपजाऊ बनाता है उस जमीन को। उपजाऊ बनाने के बाद उसमें बीज डालता है, जैसे गेहूं डाले, फिर उनको पानी देगा, खाद देगा, कई महीने तक उन्हें बच्चे की तरह पालता है। जब वो बड़े हो जाते हैं उनकी अपने हाथ से कटाई करता है। ऐसे ऐसे बहुत कड़ी धूप, बिल्कुल बहुत कड़ी धूप, झुलसा देने वाली धूप होती है जब गेहूं की कटाई होती है और किसान उन्हें काट रहा होता है।
काटने के बाद फिर उन्हें वो इकट्ठे करता है, एक जगह पे इकट्ठे करता है, पूरे खेत में वो फैले होते हैं, उन्हें अपनी पीठ पे रख के इकट्ठे करता है, इकट्ठे करता है। इकट्ठे करने के बाद मशीन लगाता है, मशीन लगाकर फिर उन्हें डाल डालकर डाल डालकर डाल डालकर फिर गेहूं अलग करता है, भूसा अलग करता है, फिर उस गेहूं को वो बोरे में भरता है, बोरे में भर के ट्राली में डालता है, उन्हें घर पे लाता है, फिर उन्हें बेच के आता है। बेचने को जाता है तो मंडी में इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वो सब उन गेहूं को निकालते हैं, खरीदते हैं, पैसा लेके किसान घर पे आ जाता है, फिर वो उन्हें अलग अलग करते हैं, सफाई करते हैं, फिर पैक करते हैं, पैक होने के बाद फिर वो दुकानों पे जाता है, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स लगते हैं सब करने में, फिर वो आपके घर पहुंचता है, और घर पहुंचने के बाद कोई माता कोई बहन या आपके परिवार का कोई सदस्य है, उसे पकाता है किचन में, गर्मी में पसीने में नहाता हुआ उस भोजन को पकाता है, और इतनी सारी आत्माएं लगी हैं हमारे पास तक भोजन पहुंचाने में, एंड वी आर नॉट इवन थैंकफुल टू देम, हम उनको शुक्रिया भी नहीं करते। इतनी सारी आत्माओं ने परिश्रम किया वो दो रोटी हमारे पास पहुंचाने के लिए, और हम धन्यवाद नहीं करते। तो इसीलिए मेहनत करते हैं, फिर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बहुत समय पहले मैंने एक बुक में एक लाइन पढ़ी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, कि अगर हर एक हृदय भोजन के प्रति शुक्रगुजार हो जाए तो इस धरती पर एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, ये धरा इतना देगी। आज जो भी कुछ हो रहा है ना, किसी भी चीज की वैल्यू ना करने के संस्कार को डेवलप कर देने के कारण हो रहा है। सिर्फ वैल्यू करिए जो चीज आपके पास है। हमें कभी भी किसी भी चीज को पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चीजें आपके पास खुद आएंगी, और आप हैरान होंगे ये हो क्या रहा है। समृद्धि यही है। तो जब भोजन सामने आए तो भोजन को रखिए ऐसे, यूं भोजन को रखिए इस तरीके से, और भोजन को रखने के बाद बड़े प्यार से उसे देख मुस्कुराइए, और प्यार से परमात्मा पिता को याद करिए। परमात्मा को भोजन एक बार सौंप दीजिए, जैसे मानो परमात्मा के हाथ में वो थाली है, और उनके मस्तक से बहुत शक्तिशाली किरणें उस भोजन में जा रही है। वो भोजन बहुत शक्तिशाली बन रहा है, और मैं हृदय की गहराई से शिव बाबा बाप दादा का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, उन सभी आत्माओं का मैं शुक्रिया कर रहा हूं जिनके हाथ इसे मेरे तक पहुंचाने मर लगे हैं। मैं दिल की गहराई से शुक्रिया करता हूं उन सभी आत्माओं का, और फिर उस भोजन को बहुत आराम से प्यार से मुस्कुराते हुए सेवन करिए, तो विचार बदल जाएंगे, जैसा अन्न वैसा मन। भोजन कौन करता है? हम कहते नहीं है कि जैसे हमें खाने का मन नहीं होता तो कहते हैं ना मन नहीं है, सोचते तो यह भोजन तन कर रहा है, लेकिन कहते हैं मन नहीं है, ये तो नहीं कहते तन नहीं है खाने का, कहते ना मन नहीं है खाने का, मतलब भोजन मन ही करता है फिर, और मन ही संकल्प भी करता है। तो परमात्मा महावाक्य है कि जो बच्चे भोजन करते हुए मुझे याद नहीं करते उनका भोजन माया खा जाती है। कैसे खा जाती है? क्योंकि भोजन आत्मा कहे या मन कहूं करता है शरीर के लिए, और मन ही संकल्प कर रहा है। तो मानिए अगर मैं भोजन करते हुए व्यर्थ संकल्प कर रहा हूं तो व्यर्थ संकल्प बलवान बन रहे हैं, तो व्यर्थ अगर बलवान बन रहा है तो मतलब माया भोजन को खा रही है।
इसलिए बाबा कहते हैं कि भोजन करते हुए मेरी याद में रहो, तो समर्थ संकल्प बलवान बन जाएंगे और घूमते फिरते आपे ही शिव बाबा की याद रहेगी। भूलना चाहेंगे ना तो भी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि भोजन हमारे तन में कई घंटे तक रहता है, फिर उसका प्रभाव रहेगा हमारे ऊपर। और उसी तरह पानी भी है, जब बात भोजन की निकली है तो पानी की भी कह देते हैं कि हमारी बॉडी में 70-75% पानी ही है। पांच तत्व है ना, पांच तत्वों में 75% तक पानी है। तो अगर हम पानी को चार्ज करके पिएंगे तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी, मन हल्का रहेगा। इसलिए जब मेडिटेट करने बैठते हो अमृत वेला, नमा शाम या दिन में, एक बॉटल भर के रख दो और उसे चार्ज होने दो और सिप सिप करके पीते रहो, और खुद देखो अपने माइंड पे क्या प्रभाव पड़ता है उसका, खुद ही देखेंगे। अगर एक दिन भी किया ना तो अगले दिन अपने आप करेंगे फिर, क्यों? क्योंकि टेस्ट इतना शानदार होगा उसका। वाटर अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, उसे जिस तरह के वाइब्रेशंस में रखा जाता है। जापान के मशहूर वैज्ञानिक मसारू इमोटो का ही रिसर्च है, मैं उसमें ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, आप ये खुद एक्सपेरिमेंट करके देखें तो आप खुद ही वैज्ञानिक बन सकते हैं इस चीज के। और अपना अनुभव सबसे बेहतरीन होता है, जो अनुभव मैंने कर लिया अब मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर मैंने पानी चार्ज किया, पानी का टेस्ट ही बदल जाएगा। पहले पानी पीना, फिर पानी को चार्ज करना और फिर पानी पीना, आप पाएंगे पानी का तो टेस्ट ही बदल गया। ये सत्य है, पानी का स्ट्रक्चर बदल जाता है। पानी समर्थ संकल्पों से अमृत बन जाता है। और मंदिरों में तो हमने देखा ही है कि मंदिर में पंडित जी, पुजारी जी थोड़ा सा चरणामृत रखते हैं और उसे जब देते हैं ना हम सबको, तो उसे पीते बड़ा सुकून सा मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान की स्मृतियां मिक्स हो जाती हैं, मिक्स होने के कारण वो चरणामृत बन जाता है और सुकून देता है, प्रमाण है। आप किसी मंदिर पे चले जाइए, मंदिर पे आप नल देखिए, मंदिर की नल का पानी पी लीजिए। आप माने आपका मूड ऑफ है, आप डिस्टर्ब हैं, आप मंदिर की पानी का, मंदिर की नल का पानी पी लीजिए, या आश्रम की नल का पानी पी लीजिए, देखिए क्या होता है। तुरंत आपका सर हल्का हो जाएगा, लाइट वाटर चार्जिंग, पानी अपना स्ट्रक्चर बदलता है। सोचिए पॉजिटिव सोच, समर्थ संकल्पों से पानी अमृत बन जाता है, और इसके ऑपोजिट विष बन जाता है। जिस घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर का पानी पीकर देखिए, अगर आपका सर हैवी ना हो जाए तो बताना। वहां के पानी में वो सारी एनर्जी होती है जो उस घर की एनर्जी है। सोचिए हम आत्माएं इस शरीर में बैठी हैं और ये शरीर 75-70% पानी है, यानी हम आत्माएं 75% पानी में बैठकर दिन भर में कैसे कैसे विचार चला रही हैं, तो इस पानी का क्या हाल हो रहा होगा। तो समर्थ संकल्पों से पानी अमृत बन जाता है, इसलिए मेडिटेट करते हुए पानी सामने रखना है, पीना है, उसका प्रभाव मन और तन पे खुद देखिए, खुद देखिए, अनुभव करिए और फिर उससे प्रैक्टिस में लाइए। तो ये है, तो ये है कुछ अभ्यास जो हमें करने हैं। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, यानी मन को आप जितना ज्यादा भरपूर रखेंगे वो भरपूरता को आकर्षित करेगा, जितना हाई फ्रीक्वेंसी में रखेंगे, हाई एनर्जी वर्ड्स से, हाई एनर्जी थॉट से उसका श्रृंगार करेंगे, कमाल के परिणाम होंगे।
ओम शांति कबीर भाई, ओम थैंक यू, शांति। आपने बहुत ही थैंक अच्छे से यू, समझाया। थैंक यू मेरा बाबा। एक सवाल था, अगर शरीर में व्याधियां हैं, एग्जाम्पल अगर क्रॉनिक पेन का प्रॉब्लम है, तो जैसा आप समझाते हैं कि विजुअलाइजेशन करने से भी मन जो है स्ट्रांग बनता है, या जो समान आपने बताया वो प्रैक्टिस करने से मन की स्थिति स्ट्रांग होती है, लेकिन जब शरीर में व्याधियां होती हैं, पेन होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स है अगर क्रॉनिक, तो उससे अटेंशन जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ बार बार जाता है। उसको कैसे मेडिटेशन में और अच्छा फोकस किस तरह से किया जाए, क्योंकि शरीर का ध्यान, शरीर की तरफ ध्यान खिंचता है अगर माइग्रेन हो रहा है या नेक शोल्डर पेन है फॉर एन एग्जाम्पल। जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें अभ्यास तो शुरू करना होगा, और वो हम कैसे करेंगे? अब हमें वो देखना होगा कि किस समय पर मन आसानी से हमारी बात मान लेता है। तो सबसे पहले इस मन को उस समय पर ये कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलना शुरू करना है, और वो कब है? एक तो जब आप सोने के लिए लेट जाएं, जब सोने के लिए लेट जाएं तब तक आराम से लेटे हैं, ठीक है, बॉडी आराम कर रही है, भले बॉडी में पेन हो लेकिन आप आराम से लेटे हैं और अपने आप को मस्तक के मध्य देखकर कुछ अच्छे अच्छे संकल्प करिए जब तक नींद आए। तो ये संकल्प गहराई से मन स्वीकार कर लेगा और सारी रात आपके शरीर को हील ही करना है उसको, क्योंकि हमने उसको लास्ट कमांड ये दी है कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, मैं आरोग्यवान हूं। आप एक बहन है, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप संकल्प करें कि मैं आरोग्यवान हूं, मैं श्री लक्ष्मी हूं। सर से पांव तक लक्ष्मी जी के चित्र और चरित्र को चिंतन में लाइएगा। ये देखना है कि मैं लक्ष्मी हूं। मानिए आप एक नाटक, एक मूवी में काम कर रही हैं और आपको लक्ष्मी जी का रोल मिल जाए, तो आप कैसे उसे अभ्यास में लाएंगे? समझ लीजिए, अगले 21 दिन आपको श्री लक्ष्मी जी का रोल प्ले करना है। उठते बैठते खाते पीते सोते मैं श्री लक्ष्मी हूं, और फिर बताइएगा नेक्स्ट टाइम कि आपको जो भी प्रॉब्लम थी शरीर में उसमें कितना चेंजेस आए। लेट चाहिए, सवेरे उठते ही संकल्प पहला, मैं श्री लक्ष्मी हूं, संपूर्ण स्वस्थ हूं, सर से पांव तक मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, एक एक बॉडी पार्ट संपूर्ण स्वस्थ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहना ही नहीं है मेरा दर्द ठीक हो रहा है, दर्द शब्द तो यूज ही नहीं करना है, मैं श्री लक्ष्मी हूं, दैट्स इट, कंप्लीट फ्रॉम हेड टू टो कंप्लीट स्वस्थ। देखिए मैं अपना ही बताता हूँ, किसी की बात मैं नहीं करूंगा यहाँ पर। जब से मुझे ये ज्ञान मिला है और जब से मैंने इस बात को समझा है, ऐसा नहीं है कि शरीर में बीमारियां किसी के भी नहीं, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके शरीर में कोई बीमारी ना हो, और मेरे भी होगी और है, लेकिन मेरा ध्यान कभी उधर जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा इस समान का अभ्यास भी बहुत करता हूं कि मैं श्री नारायण हूं। आप ये अभ्यास खूब करिए, या फिर मैं ये अभ्यास भी बहुत करता हूं कि मैं प्रकाश की देह में चमकती हुई एक मणि हूं। मुझे वो बड़ा प्यारा इमेज लगता है, वो ब्रह्मा बाबा का, जिसमें बाप दादा प्रकाश की देह में ऐसे बाहें पसारे खड़े हैं। कई बार हम स्वयं को ऐसा देखते हैं तो शरीर में लाइट ही लाइट, हड्डी मांसपेशियां कुछ नहीं, अंदर कई बार प्रकाश ही प्रकाश भरता हुआ देखिए, प्रकाश ही प्रकाश भरता हुआ देखिए, और कुछ भी नहीं। और अगर आपको कहीं दर्द है, जब ये प्रकाश भरता हुआ देख रही है, तो ये देखिएगा कि वो लाइट, अगर मानो मेरे को यहां दर्द है तो अंदर इसका धब्बा है, लाइट के शरीर में वो धब्बा है, तो देखिए वो धब्बा साफ हो रहा है, क्लीन, एकदम क्लीन। और ये सोते सोते देख लिया ना, तो एक दिन में इसका परिणाम दिख जाएगा कि मैं तो जैसे ठीक हो गई।
मेरा एक था कि जैसे मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं, अफर्मेशंस हैं, जैसे सोने से पहले या सुबह उठने के बाद अफर्मेशंस करने से पूरा दिन बहुत पीस रहता है, सब कुछ रहता है. लेकिन जब सिचुएशन आती है, तब सिचुएशन आती है, कुछ ऐसा होता है, तब कुछ भी काम नहीं करता है, ऑटो मोड पे रिएक्शन चला ही जाता है. तो ऐसा क्या कैसे करें कि वो ऑटो मोड वाला ऑप्शन हट जाए एंड उस वक्त मैं 2 मिनट सोचूं फिर रिएक्शन दूं. देखिए बहन जी, ये होगा कर्म योग से। जितना ज्यादा हम कर्म करते योग युक्त स्थिति में रहेंगे। अब देखिए, मानिए आप बैठी हैं, आप योग अभ्यास कर रही हैं, अच्छा खासा योग आपका लगा हुआ है। उस वक्त कोई परिस्थिति आपके पास आती ही नहीं है, और आ भी जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे चिल्लाएंगे या डिस्टर्ब हो जाएंगे, राइट? तो अगर हम हमेशा योग युक्त रहें, चलते फिरते उठते बैठते योग के अच्छे अच्छे अभ्यास करें, कर्म योगी बन जाएं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि जैसे मानो हम स्नान करने जा रहे हैं, स्नान किया, हम जब कपड़े उतारते हैं तो ये थॉट लीजिए कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी कपड़े को उतार रही हूं। हर एक कर्म आपकी मदद करेगा, उस कर्म में आप क्या एक्टिविटी कर रही हैं उसी तरह की एक्टिविटी को योग में डाल दीजिए। हर कर्म मदद करेगा, वो जिस तरीके की एक्टिविटी वहां हो रही है उसी को योग में डालिए। शरीर से कपड़े उतारे, मैं शरीर रूपी वस्त्र, इस मैं शरीर रूपी वस्त्र उतार रही हूँ, अब मैं प्रकाश की देह में आता हूँ। आपने शॉवर ऑन किया, शॉवर आपके ऊपर पड़ रहा है, शिव बाबा की किरणें फाउंटेन के रूप में मेरे ऊपर पड़ रही है, मेरी प्रकाश की देह में भरती जा रही है, मेरा मन स्नान कर रहा है, योग हो गया। अब क्या है, इसी तरह का आप कोई भी काम कर रही हैं, आप झाड़ू लगा रही हैं, मान लीजिए नहीं लगाती हूं पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप लगा रही हैं झाड़ू, आप साफ सफाई कर रही हैं, तो क्या होता है कई बार, देखिए हम साफ सफाई झाड़ू लगाते हुए हमारे अवचेतन मन की इतनी अच्छे से प्रोग्रामिंग हुई है कि झाड़ू लगाते हुए हमें मन बुद्धि का यूज करना ही नहीं पड़ता, झाड़ू ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक मोड में लगती रहती है, राइट? और मन बुद्धि को हम फ्री छोड़ देते हैं, वो कहाँ कहाँ भटक रहा होता है, यहाँ हाथ झाड़ू लगा रहा है और वहां मन पड़ोसी से लड़ रहा है। तो होता क्या है, घर की सफाई होती है और कचरा यहाँ चिपक जाता है, परिस्थिति आते ही फिर वो कचरा बाहर और झगड़ा शुरू। लेकिन अगर मैं जब ये झाड़ू लगा रहा हूं तो बाबा कहते हैं कर्म करते हुए मन और बुद्धि को काम दे दो। तो मन बुद्धि को क्या काम दे सकते हैं, झाड़ू लगा रहे हैं ना, तो जैसे कमरे के अंदर मैं झाड़ू लगा रहा हूं इस शरीर में रहते हुए, ऐसे ही इस शरीर के अंदर आत्मा ब्रेन के बिल्कुल पास में बैठी है और ब्रेन की झाड़ू लगाई है। क्योंकि मन है सॉफ्टवेयर और ब्रेन है हार्डवेयर। मन अगर व्यर्थ सोचता है तो वो सारा का सारा काला किरणें ब्लैक रेस इस ब्रेन में ही भरती है, वो कचरा सारा यहीं जमा होता है। तो यहाँ भी झाड़ू लगाई है, सफाई कर रहे हैं गाड़ी की, मैं आत्मा ब्रेन के नीचे बैठकर ब्रेन पे ऐसे फवारे मार रही हूँ, ब्रेन का एक एक सेल साफ हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से धुलाई कर रही हूँ ब्रेन की, सारा कचरा पट्टा सब बाहर निकल गया, पूरा ब्रेन एकदम नया स्वस्थ बिल्कुल स्वस्थ साफ सुथरा। जितना ज्यादा हो सके अपने ब्रेन का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ब्रेन है कंप्यूटर जो इस शरीर रूपी रोबोट को चला रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो आपने पूछा ये सबका सवाल होगा, और हमें पूरे दिन चलते फिरते हर एक कर्म में योग अभ्यास करने हैं। और अगर कर्म करते हुए उस वक्त आपको कोई योग अभ्यास नहीं सूझ रहा है तो अपने मन को कमांड दो कि हे मेरे मन, ये कर्म करते हुए कौन सा अभ्यास फिट बैठेगा, मन आपको तुरंत टच करेगा, ये वाला करते हैं। तो बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल कोई भी विघ्न परिस्थिति आपके सामने ठहर नहीं पाएगी।
ज्ञान की चंदन से महके जीवन फुलवारी है, ज्ञान के चंदन से महके जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी।